दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। गोहद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रायपुरा के स्टेशन कपूरा में हर घर में लोग विकलांग हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर जब पीएचई विभाग द्वारा पानी की जांच कराई गई तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक बताई गई, जिस पर पीएचई विभाग ने बोर कराकर वहां पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया है। जैसे ही सूचना मुंबई में डॉक्टर यतीन्द्र अग्रवाल को लगी तो उन्हें स्टेशन कपूरा में पहुँचकर पानी की जाँच की और पानी शुद्ध करने का तरीका बताया। जब पानी के सैंपल जांच किए तो उसमें शासकीय नलकूप सहित 3 जगह का पानी सही बताया। साथ ही फ्लोराइड की अधिक मात्रा वाले पानी को भी शुद्ध करने का सोमेवा सरल तरीका ग्रामीणों को बताया। इस मौके पर डॉक्टर यतीन्द्र अग्रवाल के साथ डीएफओ मोहम्मद माज रेंजर, फॉरेस्ट विभाग बंसत शर्मा, नायब तहसीलदार राकेश श्रीवास्तव, पटवारी गण महेंद्र भदौरिया, संदीप जैन एवं पीएचई अधिकारी उपस्थित रहे। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। मेरा नाम यतेंद्र अग्रवाल है और मैं इंजीनियर हूँ और मैं पानी के ऊपर के इंडिया में जहाँ पानी खराब है जैसे फ्लोराइड या आयरन, बैक्टीरिया या आर्सेनिक, उसके ऊपर मैं जाके कैसे आसान सस्ते तरीके से लोग अपना पानी अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। और फिर मोस्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कलेक्टर, उनको मैं समझाता हूँ। जैसे कई जगह हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बड़े बड़े प्लांट ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सिस्टम हो जो बाल्टी से चले और हर घर में हम दे सकें, बिना बिजली के उनको साफ पानी मिल सके, ये मेरी कोशिश रहती है हर बार। नहीं तो यहाँ के लोग, पहले तो मैं कहूँगा बहुत दुख की बात है कि जब उनके हड्डियों में दर्द हो रहा था उसी टाइम उनको समझ लेना चाहिए था कि पानी ख़राब है। ये पता नहीं क्यों इनको समझ नहीं आया, पूरी एक जनरेशन खराब हो गई, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने जब पानी चेक किया तो फ्लोराइड बहुत हाई है। तो फ्लोराइड जो मेरा है टेस्टिंग है वो तो 3 से ज़्यादा दिखा रहा है जबकि 1 से कम होना चाहिए। तो ये तो क्लियरली, और उनकी हड्डियों को देख के ही दिख रहा था कि फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। तो ये दुख की बात है क्योंकि इन लोग को भी समझ लेना चाहिए था कि फ्लोराइड की वजह से हम बीमार हो रहे हैं, ना कि कोई हवा की बीमारी है या खाने की कुछ गड़बड़ से हो रहा है। तो चलो अभी वो तो हो गया, तो अभी मैंने यहाँ इनको एक छोटा सा फिल्टर सिस्टम दिखाया है जो अगर हर घर में ये लोग लगा लें तो इनको फ्लोराइड फ्री पानी मिलेगा। मगर इनकी एक खुशकिस्मती ये है कि पास में ही एक बोरवेल वाटर डिपार्टमेंट ने ढूंढा है जिसका पानी अच्छा है और उन्होंने उसमें पंप लगा के इनके घरों के पास तक अच्छा पानी देने की